जी, चैप्टर वन इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, यानी जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब स्टडी करते हैं तो कितने लेवल्स पे हम उनको पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का ये मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जब हमने पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना होता है तो हम उनको किन बेसिस पर स्टडी करते हैं। तो वो दो तरीके हैं जिस तरह से हम उनको स्टडी कर सकते हैं। एक तो हम कहते हैं इन स्पेस और दूसरा इन टाइम। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। अब अगर हम अर्थ की बात करें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके अब तक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व होते जा रहे हैं। यानी पहले सिंपलर ऑर्गेनिजम्स थे, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, और सिंपल के बाद अब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते जा रहे हैं और ये एक दूसरे से इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एक तो उनकी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की तादाद बढ़ती जा रही है। सेकेंडली अर्थ के ऊपर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डाइवर्स होती जा रही है, पॉपुलेशन साइज जो है वो के इंक्रीज हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डाइवर्स होती जा रही है। पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होने का मतलब है इनकी तादाद ज्यादा होती जा रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन डाइवर्स होने का मतलब है कि ये अर्थ के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पे पाए जाते हैं। और अब जूं-जूं इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, ये डाइवर्स होते जा रहे हैं, इनको पढ़ना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो जब हमने इनको पढ़ना होता है, इनको स्टडी करना होता है, तो हम इनको बायोम्स की बेसिस पे स्टडी करते हैं। बायोम, बायोम किसे कहते हैं? बायोम हम कहते हैं, बायोम इज रीजनल कम्युनिटी। रीजनल कम्युनिटी का क्या मतलब है? रीजनल कम्युनिटी का ये मतलब है कि बायोम जो है वो किसी एक खास लोकेशन पे रहने वाली कम्युनिटी को हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिटी हम कहते हैं वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हो और एक ही वक्त में एक ही जगह पे रहते हो तो हम उसको कहते हैं वो एक कम्युनिटी है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज जो कि एक जगह पे रह रही है वो रीजनल कम्युनिटीज, उनको हम बायोम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ग्रासलैंड बायोम, ग्रासलैंड बायोम। तो ग्रासलैंड बायोम क्या होगा? ग्रासलैंड बायोम वो तमाम ऑर्गेनिजम्स, वो तमाम पॉपुलेशन जो कि ग्रासलैंड पे रहती होंगी, जब हम उनको स्टडी करेंगे वो हो जाएंगी ग्रासलैंड बायोम। सिमिलरली अगर हम देखें डेजर्ट बायोम, तो वह तमाम पॉपुलेशन जो कि डेजर्ट में रहती होंगे उनको हम कहेंगे वो है डेजर्ट बायोम। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोम्स, बायोम की बेसिस पे, या फिर हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है स्पेस की बिना पर, यानी कि जगह की बिना पर ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को स्टडी करें। नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वो है टाइम। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। टाइम हम कहते हैं वक्त को। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अर्थ के ऊपर ऑरिजिनेट होते रहे, उनको जब हम स्टडी करते हैं हम कहते हैं हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम को स्टडी करें। जब से ये दुनिया बनी है हम इसका एग्जैक्ट टाइम तो मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको जब स्टडी करते हैं मिलियंस में तो हम देखते हैं कि जब दुनिया बनी थी उस वक्त अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी नहीं था। फिर ओवर द टाइम
different living organisms originate hote gaye aur un living organisms se mazid living organism evolve hote gaye. Jaise ki humne yahan pe upar evolution ke process ko dekha ki pehle simple organisms the aur phir uske baad complex living organisms aate gaye. To ye jo process hai ye over the period of time hota raha, waqt ke saath saath hota raha aur ye time bahut bada time period hai, millions mein hum in time ko dekhte hain. तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टाइम का हमें पता कैसे चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने अगर ये मालूम करना हो कि डायनासोर जो थे वो कितने साल पहले पाए जाते थे और कब इनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई दुनिया से, ये मालूम करने के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं इनके फॉसिल्स. फॉसिल्स हमें ये बताते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कितने पुराने हैं. फॉसिल्स के अलावा हम लोग डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को देखते हैं. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में हम अपनी पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो तमाम आइसोटोप्स यानी वो तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर से रेडियो एक्टिव रेज एमिट हो रही होती है, रेडियो एक्टिव रेज निकल रही होती है, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. और डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर या डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम देखते हैं उनकी कितनी परसेंटेज है, तो उससे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं, ये पता चला सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म या इनके जो फॉसिल्स हैं ये कितने पुराने हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे हम कह देते हैं कुछ ओल्डर फॉसिल्स हैं, ओल्डर का मतलब है कुछ बहुत पुराने फॉसिल्स हैं और कुछ थोड़े से न्यूअर फॉसिल्स हैं. और लेट्स सपोज हम इनके टाइम पीरियड्स को देख लेते हैं कि ये जो है वो हमारे पास 200 मिलियन ईयर्स पहले के हैं, 200 मिलियन ईयर्स पहले के, और ये जो नए फॉसिल्स हैं न्यूअर यानी एज कंपेयर टू दीज फॉसिल्स ये थोड़े न्यूअर फॉसिल्स हैं, तो हम इनको कह देते हैं कि ये 50 मिलियन ईयर्स पहले के हैं. तो जो ओल्डर फॉसिल्स होंगे, पुराने फॉसिल्स होंगे, इनके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो कम होंगे यानी लेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे. लेकिन जो न्यूअर फॉसिल्स हैं इनके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ज्यादा होंगे, मोर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. तो इस तरह से हम डिफरेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइफ ये भी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आधा हो जाता है उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ को फाइंड करते हुए हम इन डिफरेंट फॉसिल्स की टाइम पीरियड को फाइंड कर लेते हैं और इस हिसाब से हम इनको स्टडी करते रहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले कौन से ऑर्गेनिज्म थे और उनके बाद इवॉल्व होके डिफरेंट कौन से नए ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होते गए, यानी ये एवोल्यूशन किस तरह से टाइम के हिसाब से होती गई. इस एवोल्यूशन को हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के हिसाब से स्टडी करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइम के ऊपर अर्थ के ऊपर ये ऑर्गेनिजम्स कब कब और किस किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते रहे. इसको पढ़ने के लिए अगर हम इस डायग्राम की हेल्प लें तो इसके ऊपर आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ये टाइम पीरियड्स हैं, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड बताए गए हैं और इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट फॉसिल्स हैं, ये सब फॉसिल्स हैं जो आपको टाइम पीरियड के हिसाब से बताए जाते हैं. जैसे अगर हम लोग इसको देखें टाइम पीरियड, ये इरा है जिसको हम डिफरेंट नेम दे देते हैं और यहाँ पे हमारे पास ईयर्स गिवन है मिलियंस के हिसाब से, यानी कि अगर हम लोग अभी से 600 मिलियन ईयर्स बैक चले जाएं तो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स थे और उनके अंदर डिफरेंट जिस तरह हम लोग अभी ऑर्गेनाइजेशन को हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम जब लोग टिश्यू लेवल के ऊपर या ऑर्गेन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म लेवल को पढ़ते थे, तो ये जो टाइम पीरियड है एडिकेरन टाइम पीरियड, इसके अंदर हमें ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते जिनके अंदर हम लोग इतनी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को पढ़ सके. इसके बाद अगर हम लोग 500 मिलियन ईयर्स पे आ जाते हैं तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है 500 मिलियन
यानी कि ये जो टाइम पीरियड है हम इसे कहते हैं पैलेजोइक टाइम पीरियड। और पैलेजोइक टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास स्टार्ट होता है 270 मिलियन से लेके हमारे पास ये 500 तक या 600 मिलियन ईयर्स तक जाता है, और इसको हम कहते हैं पैलेजोइक टाइम पीरियड। इस पैलेजोइक टाइम पीरियड के अंदर बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट होना शुरू हुए, जिनके अंदर हम कहते हैं कि एम्फीबियंस या फिर हम कहते हैं लैंड प्लांट्स, जो सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स थे, या फिर शुरू के कुछ सिंपलेस्ट फिश जो थी या प्राइस जो थे वो बनने शुरू हुए। तो ये जो टाइम पीरियड है वो है पैलेजोइक टाइम पीरियड। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है इसको हम कहते हैं मीज़ोज़ोइक टाइम पीरियड, और मीज़ोज़ोइक टाइम पीरियड जो है वो हमारा स्टार्ट होता है तकरीबन 135 मिलियन ईयर्स से, और ये जाता है हमारे पास तकरीबन 225 मिलियन ईयर्स तक। और ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू हुई थी, और इसको हम कहते हैं कि डिफरेंट बर्ड्स जो ओरिजिनेट हुए, फिर डिफरेंट डायनासोर्स का जो टाइम है वो ये जुरासिक टाइम पीरियड है जो कि हमारे इसी मीज़ोज़ोइक टाइम पीरियड के अंदर आता है। इसी तरह कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो हमारे, जिनको हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के अंदर स्टडी करते हैं, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, जो है वो हमारे पास मीज़ोज़ोइक टाइम पीरियड के अंदर आता है। इसके बाद जो हमारे पास आता है जो कि इतना ज्यादा पुराना नहीं है, जिसे हम कहते हैं सीनेजोइक टाइम पीरियड या सीनेजोइक एरा। इसके अंदर जो टाइम पीरियड हम स्टडी करते हैं वो रिलेटिवली न्यूअर है, जैसे हम कह देते हैं तकरीबन 70 मिलियन ईयर्स से पहले तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं कि वो सीनेजोइक टाइम पीरियड है। और इसके अंदर जो है हमारे पास हम कहते हैं कि एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स हुआ, डायनासोर्स की जो स्पीशीज है वो तकरीबन पूरी दुनिया से खत्म हो गई, और फिर उसके बाद मैमल्स जो है वो डाइवर्सिफाई हुए, यानी इनके अंदर डाइवर्सिटी आ गई, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, और ह्यूमन बींग्स आ गए। ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशन बेसिकली हुई, जैसे हम लोग अगर एवोल्यूशन को स्टडी करें तो जो अभी के ह्यूमन बींग्स हैं जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं, होमो सेपियंस, इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आई वो इस टाइम पीरियड में आई, जिसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी टाइम पीरियड। और ये जो टाइम है ये तकरीबन 70 मिलियन ईयर्स, 0 से लेके 100 मिलियन ईयर्स को हम जब देखते हैं तो इसके अंदर ये टाइम आ जाता है सीनेजोइक। तो ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स थे, डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स जिनको हमने स्टडी किया, और हमने देखा कि इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं और इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से आती थी। और यहाँ से हमने देखा कि ये जो है वो 600 मिलियन ईयर्स, और यहाँ से आगे जो जो टाइम जो है वो गुजरता गया इस तरह से, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरह से आते गए। इस डायग्राम के एरिया को हम देखें तो यहाँ पे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो जो हम ऊपर आते जा रहे हैं इस पार्ट के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम कहते हैं फाइलेटिक लीनियज। फाइलेटिक लीनियज बेसिकली क्या है? फाइलेटिक लीनियज को हम इस तरह से देखते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज जो हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती गई उनके अंदर किस तरह से एवोल्यूशन होती गई, हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीशी है, उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ और स्पीशी, कोई और स्पीशी आगे, और फिर कोई और स्पीशी आगे। तो फाइलेटिक लीनियज हमारे पास एक सीरीज ऑफ स्पीशी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक स्पीशी के बाद जब हम दूसरी स्पीशी पे आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ एवोल्यूशन हुई हुई होती है, और इसके अंदर जो लेटर स्पीशीज हैं, लेटर का मतलब है बाद में आने वाली स्पीशीज, वो पिछली स्पीशीज से डिफरेंट होती हैं, इनके अंदर कुछ डिफरेंट होता है, एवोल्यूशन हो चुकी हुई होती है। इसी तरह इस स्पीशी के बाद जब हम इस स्पीशी पे आएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, और इसमें जैसे हम पिछली स्पीशीज को हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास एंसेस्टर्स, और जो लेटर स्पीशीज हैं जो बाद में आती है हमारे पास उनको हम कह देते हैं कि ये जो है वो हमारे पास डिसेंडेंट्स हैं।
तो फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स डिफरेंट एक अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज जो है इसे हम कहते हैं फिलेटिक लीनियज। इसके साथ ही हमारे पास बायोडाइवर्सिटी आ जाता है और बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हम कहते हैं कि किसी भी लोकेशन के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने, उनके नंबर कितना है और कितनी वैरायटीज ऑफ स्पीशीज हमारे पास किसी भी लोकेशन पे पाई जाती हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब अगर इनमें से हम नॉन स्पीशीज की बात करें तो जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक अबाउट 2.5 मिलियन स्पीशीज जो है वो दरियाफ्त की जा चुकी हैं, उनके बारे में हमें पता चल चुका है। यानी कि अगर हम लोग इसको नंबर्स में लिखें तो ये कुछ इस तरह से एक नंबर बन जाएगा। तो इतनी जितनी 2.5 मिलियन स्पीशीज जो है वो अभी तक मालूम की जा चुकी हैं, और इन स्पीशीज के अंदर अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखते जाएं तो तकरीबन आधी जो है वो इंसेक्ट्स हैं, हाफ मीन्स के 50% इंसेक्ट्स हैं। इसी तरह तकरीबन 17.6% हमारे पास वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं, 19.9% हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स वो एनिमल्स जिनमें इंसेक्ट शामिल नहीं है। इसके बाद तकरीबन 9.4% हमारे पास फंजाए हैं, एलजी हैं, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट प्रोटिस्ट वगैरह आ जाते हैं। इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो 9.4% जो है अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। अभी तक के एक एस्टिमेट के मुताबिक अर्थ के ऊपर तकरीबन 5 से लेके 30 मिलियन स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है, और इन 5 से 30 के दरमियान की जितनी भी स्पीशीज हैं उनमें से हमें सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में पता है। यानी हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो सिर्फ इन 2.5 मिलियन स्पीशीज की करते हैं। अब इस सब में हमें एवोल्यूशन को स्टडी करने का क्या फायदा है? एवोल्यूशन को स्टडी जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जून जो वक्त गुजरता जाता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक स्पीशी से नेक्स्ट स्पीशी भी जनरेट हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक जनरेशन है हमारे पास और उसके बाद एक नई जनरेशन प्रोड्यूस हुई है, इसके बाद इसके जो डिसेंडेंट्स हैं ये तो इनके डिसेंडेंट्स में ये जो न्यू जनरेशन है तो इसमें काफी पॉसिबिलिटी है कि ये एक नई स्पीशी बन गई हो। न्यू स्पीशी का क्या मतलब है कि इसके अंदर इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस पिछली स्पीशी से, पिछली जनरेशन से टोटली डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि फाइलेटिक लीनियज को अगर हम स्टडी करें, यानी कि एक कंप्लीट चेन हमारे पास आ जाए सारी स्पीशीज की, तो हम कह सकते हैं कि अभी से लेके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम जिनसे हम इवॉल्व हुए हैं हम उनके बारे में बता सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कंप्लीट फाइलेटिक लीनियज आ जाए तो हम ये बता सकते हैं कि तमाम दुनिया के ऑर्गेनिजम्स का बेसिक सोर्स क्या था, यानी कि बेसिकली वो क्या एक ऑर्गेनिज्म था जिससे इवॉल्व होके नेक्स्ट सारे ऑर्गेनिजम्स बनते गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए अभी तक हम एवोल्यूशन को ऐसे ही स्टडी करते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने देखा फाइलेटिक लीनियज। इससे पहले हमने क्या देखा? हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, और फिर उससे पहले हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, और उससे पहले हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस।